तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपकी पूरी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूँ मेस की, ठीक है, 9th के लिए, ठीक है, तो बेटा मैंने अब रिक्त स्थान बताऊंगा, खास खास सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। IMP बड़े ही महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप जरूर मिलान कर लीजिएगा, है ना। करनी 5, 5 करनी 3, यहाँ पर घात कितनी, देखो करनी के ऊपर जो लिख रही है ना वही घात कहलाती है, तो यहाँ पर 3 घात है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, जिसका आलेख सरल रेखा होगा तो वो सरलरेखीय समीकरण कहलाएगा। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होगी तो वे एक कोण बनाती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक कोण बनाती है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर ब्रेकेट में आर प्लस एल, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां से अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाई, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x प्लस टू का शून्यक, देखो शून्यक ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक क्या कोटि कहलाती है, यदि दो या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वो बिंदु आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चतुर्भुज हो जाएगा ये, ठीक है, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर आंतरित हो, समद्विभाजित करे, वो सम चतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक ही अंक की बात करें तो यहां से आपको ध्यान से देखना है, ये 36/100 इसको देखिएगा, 36/100 जो है इसका मिलान आपको किससे करोगे, तो देखो 36/100 का मिलान आपका सामने आंसर है, काटापिटी करोगे तो मिलान नहीं है ना। यहाँ पर इसकी जो घात है, इस बहुपद की घात, देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं बाबू, कि जो सबसे ज्यादा घात हो, तो सबसे ज्यादा घात है 4, तो यही क्या कहलाएगी आपकी, बहुपद की घात, ठीक है। बिंदु -4, 0 की भुज, देखो बिंदु -4, 0 की भुज कितनी होगी, -4 होगी। बिंदु 3, 2 की कोटि, कोटि कितने का मतलब था, दूसरा जो मान रहेगा वो कोटि कहलाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। वाई एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0, वाई अक्ष का समीकरण वाई बराबरी पे 0 रहेगा। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण, देखो एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक्स अक्ष का समीकरण जब रहेगा ना तो यहाँ पर वाई का मान 0 रहेगा, और वाई अक्ष का जब समीकरण रहता बेटा तो वहाँ पर एक्स का मान 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर गलत कर दिया बच्चों ने ना, ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ से देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है भैया। इसमें कुछ इस तरह का, देखो बेटा कोई रियल पेपर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं तो देखो खास चीजें बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में आपको 100% मिलेगी। अब जिन बच्चों को लगता है कहीं और से कहीं रियल पेपर मिल रहा हो तो वहीं से ले लो बेटा, अपन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र हमेशा से प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, आज से नहीं पहले से, 10th वालों को भी मैंने IMP क्वेश्चन है, जितने भी मैं पेपर प्रोवाइड कराता हूँ बेटा मॉडल पेपर ही होते हैं, ठीक है, कोई रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलता है। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, है ना, और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, तो आपको रियल पेपर ढूंढने की जरूरत भी क्यों है यार। मेरे बार बार विचार ये, जब भी देखना इसी वीडियो के नीचे कई भैयों ने ऐसे मिलेंगे आपको, करेंगे फेक पेपर। अब मेरे भाई, मैंने इसमें फेक पेपर वाली बहुत सी बात बताई, ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ IMP क्वेश्चन, फिर भी देखना आप जो बच्चे मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं उसको कमेंट में जवाब में दे देना, है ना भैयू, कि थोड़ा सा तू आँख पाँख फाड़ ले भैयू, ये IMP क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके आने के चांस रहेंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको एक बार लगा के जरूर जाना है, ऐसे बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और आप जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम हाल में दिखते हैं, मिलते हैं ना। ये हो गया इतना, इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा। और भुज और कोटि के मान की बात करें तो 8 और -5 होगा, यहाँ से अपन बात करेंगे इतना हो जाएगा। एक नोटबुक की कीमत कमल की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निर्धारित निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रेखीय समीकरण का लिखिए, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा।
ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद में रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। यहां से अथवा रहेगा ये, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इतना हो गया है ये। इसके बाद में आगे रहेगा ये अथवा वाला, इसके बाद में ये यहाँ से बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। ये रहेगा यहाँ से, देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन दे रहा हूँ बेटा, बच्चों पे तैयार करवाए थे जो कोचिंग में मैंने IIMP क्वेश्चन दिए हैं उनमें से ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद में